हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इम्प्लांटेशन के बाद रिलेशन बनाना सेफ रहता है कि नहीं, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए सेक्स करना, क्या सेक्स करने से कुछ नुकसान होगा, क्या इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, क्या मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है अगर हम रिलेशन बनाते हैं इम्प्लांटेशन के बाद। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए अगर आप इम्प्लांटेशन के लिए वेट कर रहे हैं और इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ यूजफुल टिप्स से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, सेक्स की बात करेंगे, इम्प्लांटेशन के बाद करना चाहिए कि नहीं। तो पहली टिप तो आपके लिए ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और इम्प्लांटेशन का वेट कर रही हैं तो आपको आपके जो फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स हैं वो जरूर लेने चाहिए। प्रेगनेंसी प्लानिंग में ही ये जो सप्लीमेंट्स लेना है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा आपके जो डाइट है उसमें आप जो हेल्दी फूड है उसको इंक्लूड कीजिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां और जो ताज़ा फल आ रहे हैं मार्केट में वो जरूर आपकी डाइट का पार्ट होने चाहिए। अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और उस साइकिल में बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इम्प्लांटेशन हो सकता है और प्रेगनेंसी ठहर सकती है, तो उस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज को अवॉइड करिए। विग्रस एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़्यादा जिम में हैवी एक्सरसाइजेस करना जिसमें बिल्कुल ही सांस फूल जाती है, इस टाइप की जो कठिन एक्सरसाइजेस होती हैं उनको आप ना करें तो ही बेटर होगा। और इम्प्लांटेशन के लिए ये हेल्पफुल भी रहेगा कि आप थोड़ा रेस्ट ही करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या हल्का फुल्का वॉक करना या थोड़ा ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं आधे घंटे। तो बिल्कुल बेड रेस्ट तो कोई रेकमेंड नहीं करता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है बेड रेस्ट की। आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो अपने डेली रूटीन का काम है, घर का जो आप करती हैं वो आप बिल्कुल कर सकती हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि घर का काम करने में भी जो बहुत भारी डब्बे होते हैं उनको उठाने में या ऊंचाई से कोई भारी बर्तन उतारने में, इस टाइप के कामों को थोड़ा अवॉइड करिएगा। और अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो थोड़े दिन के लिए अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा लिमिटेड जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि अगर आप अल्कोहल लेती हैं या सिगरेट स्मोकिंग करती हैं तो इसको तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आप अपनी प्रेगनेंसी अभी प्लान कर रही हैं तो, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं एक तो ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा ये आपके बेबी की हेल्थ के लिए भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन पैसिव स्मोकिंग भी आप अवॉइड कीजिए। पैसिव स्मोकिंग का मतलब हुआ कि लेडी खुद तो स्मोक नहीं कर रही है लेकिन हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं या और कोई रिलेटिव जो घर में है रूम में है वो स्मोक कर रहे हैं, तो उससे जो धुआं होता है वो आपके अंदर भी जाता है, आपकी लंग्स में आपकी बॉडी में पहुंचता है, उसको भी आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी अगर आप ट्राई कर रही हैं तो उस दौरान। अगली टिप ये है कि बहुत ज्यादा कॉफी का इंटेक नहीं करना है। बहुत ज्यादा कॉफी का इंटेक मतलब 3 कप से ज्यादा कॉफी आपको नहीं लेनी है। अगर आप 1 या 2 कप कॉफी पीते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि 1 कप कॉफी तक ही रिस्ट्रिक्ट रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग चाय दिन में कई बार अगर आपकी लेने की आदत है 4-5 बार तो उस टाइप की चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। 1 आध चाय की अगर आपको आदत है, मॉर्निंग टी या इवनिंग में आप टी ले लेती हैं 1 कप, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आपको चाय या कॉफी जरूर अवॉइड करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्स के बारे में, क्योंकि कई लोग के मन में ये दुविधा रहती है कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हमने ओव्यूलेशन के टाइम पे हमने सेक्स किया अपने फर्टाइल डेज पे, तो उसके बाद क्या हम सेक्स कर सकते हैं कि नहीं, क्या अगर हमने सेक्स किया या रिलेशनशिप बनाया तो हमारा इम्प्लांटेशन नहीं होगा या फेल हो जाएगा, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, नॉर्मल कपल्स जो होते हैं, जैसे कि मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में कोई फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं है, ये लोग अगर ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो सच्ची बात तो ये है कि पता भी नहीं चलता है कि इम्प्लांटेशन कब हो गया। रेगुलर इंटरकोर्स होता है कपल्स के बीच में और एक दिन प्रेगनेंसी हो जाती है, पीरियड मिस हो जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट 1 हफ्ते के बाद करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे केसेस में तो कपल को पता भी नहीं होता है कि कब उनका ओव्यूलेशन हुआ, कब फर्टिलाइजेशन हुआ, कब इम्प्लांटेशन हुआ, वो तो अपना रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी जो डेली या ऑल्टरनेट डेज पे करते होंगे करते ही रहते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि ज्यादातर पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है जिसमें कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, कई लोग को तो फर्टाइल डेज नहीं पता होते हैं, ओव्यूलेशन के बारे में नहीं पता होता है, इम्प्लांटेशन के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेगुलर सेक्स होता है कपल्स के बीच में और उससे कोई जनरली फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं काफी टाइम से, कई महीने हो गए हैं और नहीं हो पा रहा है आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल, या फिर वो कपल्स या वो लेडीज जिन्होंने IVF करवाया है और एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है उनके यूट्रस के अंदर, तो उनको जरूर रिस्क नहीं लेना चाहिए।
कॉशियस रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर आपने आईवीएफ करवाया है और आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया गया है आपके यूट्रस में, तो आपको थोड़े कॉशन इसमें लेने चाहिए और सेक्स को अवॉइड जरूर करना चाहिए। और अगर आपने आईवीएफ नहीं भी करवाया है, अदरवाइज भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं कुछ मंथ से, तो आपके लिए भी अच्छा है कि आप रिस्क ना लें। और अगर आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन डेट कौन सा था, तो उस दिन जनरली आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो आपको सेक्स तो उसके 5 दिन पहले से जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे करना चाहिए, ओव्यूलेशन के दिन करना चाहिए, ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद भी जरूर सेक्स करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा टाइम लगता है इम्प्लांटेशन तक, तो ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक करीब 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, जिस दौरान आपका जो एम्ब्रियो है वो ट्रैवल करता है आपकी फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू, 2-3 दिन उसमें लग जाते हैं, फिर ये यूट्रस में जाके वेट करता है, करीब 2-3 दिन उसमें लग जाते हैं, उसके बाद ये चिपकता है, यानी कि उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। ये जो 1 हफ्ते का समय होता है ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक का, इसमें आप ऐसा कुछ अलग से नहीं कर सकते बाहर से, क्योंकि ये प्रोसेस तो अपना चलता ही रहेगा एम्ब्रियो के मूव करने का और यूट्रस तक पहुंचने का, तो इसमें आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपके कुछ करने से अफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, तो इसके लिए तो आप रिलैक्स्ड बस रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपने अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करते रहिए, दिमाग को काम रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए इस बात का बिल्कुल भी। एक बार आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि विग्रस एक्टिविटीज वगैरह आप अवॉइड करिए, बहुत ही स्ट्रेनस जो एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस वो मत करिए। और अगर हम पर्टिकुलरली रिलेशन बनाने की बात करें, यानी कि सेक्स की बात करें, तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं कुछ टाइम से और नहीं हो रहा है, तो आप सेक्स करने का रिस्क वहां पे मत लीजिए और कुछ दिन तक सेक्स को अवॉइड करिए, यानी कि जो आपका नया नया इम्प्लांटेशन हुआ है उसके बाद कुछ दिन तक आप सेक्स को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, आपकी पहले प्रेगनेंसी हुई है और मिसकैरेज हो जाता रहा है, या पीरियड मिस हुआ है और कुछ दिन के बाद फिर आपकी पीरियड आया है, तो हो सकता है कि पीरियड मिस होने की वजह रही हो कि प्रेगनेंसी क्या पता कंसीव हुई हो और फिर कुछ दिन के बाद वहां पे एक अर्ली मिसकैरेज हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी अगर इस टाइप का केस आपके साथ है तो आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए, रिलेशन बनाना अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज जो नॉर्मल कपल्स हैं उनको, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्टिलिटी का इशू नहीं है, वो अगर सेक्स करते हैं इम्प्लांटेशन के बाद भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इम्प्लांटेशन पे और प्रेगनेंसी जरूर कंटिन्यू करती है। अब इसमें एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और एक फैक्ट है कि इम्प्लांटेशन जब होता है तो किसी को पता तो चलता नहीं है कि इम्प्लांटेशन हो गया। कुछ ही महिलाओं को ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन के थोड़े बहुत सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना या थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग होना, उससे भी ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर महिलाओं को पता नहीं चलेगा कि उनका इम्प्लांटेशन कब हुआ है, तो इसलिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो जो आपका ओव्यूलेशन, अगर हम आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ओव्यूलेशन के पहले का जो टाइम है वो और ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम है वो, तो ये जो सेकेंड हाफ है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें आप अगर आप इजीली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, काफी ट्राई कर चुके हैं कई महीनों से, तो आप कोशिश करिए कि जो सेकेंड हाफ है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें आप सेक्स को अवॉइड कीजिए, विग्रस एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिए, हैवी एक्टिविटीज या भारी सामान उठाने को अवॉइड करिए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।